माइसेल्फ, ये जी आज हम देखने वाले कुछ बेसिक टिप्स इन आर प्रोग्राम। ओके, बेसिक जो सिंटैक्स होता है हमारे आर प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे कि हेलो वर्ड एंड कमेंट। ओके, तीन जो बेसिक पार्ट है आज हम इसके अंदर कवर करने वाले। सो बेसिक सिंटैक्स फॉर स्टार्टिंग, ओके, या वी स्टार्ट लर्निंग ऑफ आर प्रोग्रामिंग विथ राइटिंग अ हेलो वर्ड प्रोग्राम। सिंपल आपको हेलो वर्ड प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, क्या किस डिफरेंट वे से आप हेलो वर्ड लिख सकते हैं या कुछ कौन सी चीज से आप नहीं लिख सकते, दोनों वे में हम इसके अंदर कवर करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हेलो वर्ड, ओके, तो सिंपल उसके लिए आपको क्या चाहिए, आर कंसोल, ओके, या आर टूल, ओके, आर स्टूडियो, ओके, दी डिफरेंट एपीआई जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन आपको रिक्वायर्ड है। सो इसके जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, किस तरह से आपको इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या क्या कौन कौन से स्टेप्स है, ये आपको इस वीडियोस के जो आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये सभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंपल लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड आपको क्या करना है, आपके इंटरप्रेटर या जो राइटर होगा, आपका एडिटर होगा, उसके अंदर आपको हेलो वर्ड मैसेज डिस्प्ले करना है। हेलो वर्ड, ओके, सो नॉर्मली आप डायरेक्टली हेलो वर्ड लिखोगे तो वो एरर शो करने वाला है। ओके, सो हेलो वर्ड शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एक टेक्निक हम देख सकते हैं, वन बाय वन हर एक मेथड इसके अंदर लिखेंगे। तो फर्स्ट सिंगल कोटेशन से आप हेलो वर्ड लिख सकते हो, अगेन डबल कोटेशन देंगे, हेलो वर्ड इन द सेंस कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आपको असाइन करना होगा तो स्ट्रिंग वैल्यू आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद इन अ सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन। ओके, ये हो गया नॉर्मल, सिंगल कोटेशन से आप स्ट्रिंग डिस्प्ले कर सकते हो और डबल कोटेशन से कर सकते हो। देन थर्ड मेथड है कि जैसे कोई भी वेरिएबल होगा कि माय स्ट्रिंग, ओके, एंड इसके असाइन करने के थ्री मेथड हमने लास्ट टाइम देखे थे, या आपको प्रैक्टिकल सेशन में या थियोरेटिकल में फेस टू फेस बताए थे। तो सिंगल असाइनिंग ऑपरेटर एंड जो भी सिंगल कोटेशन होगा डबल कोटेशन आपके अकॉर्डिंगली आपको देना है, यहाँ पे दे सकते हैं इंटर, देन यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप स्ट्रिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो या प्रिंट टू भी आप क्या कर सकते हो, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दोनों वे से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायरेक्टली नेम से, या इफ आपको प्रिंट कमांड देनी है तो प्रिंट इज स्टेटमेंट या प्रिंट इज अ फंक्शन, किसके अकॉर्डिंगली हम जो भी नंबर्स ऑफ डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है सभी वैल्यूज के जो वैल्यूज हम यहाँ पे वेरिएबल्स के वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग एन प्रिंट फंक्शन। ओके, ये हो गया नॉर्मल हमारा फॉर एंड डिस्प्लेइंग एक वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है, इन द सेंस बेसिक से बेसिक, इन द सेंस हेलो वर्ल्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है एंड हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, नॉर्मल हेलो वर्ड वाला प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया, देन हम नेक्स्ट देखेंगे कमेंट। ओके, सो कमेंट क्या होता है, सो कमेंट आर लाइक टू हेल्पिंग अ टेक्स्ट इन यूर आर प्रोग्रामिंग दैट इग्नोर बाय द इंटरप्रेटर वाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। कि जैसे कि कोई भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस एग्जीक्यूट करते समय आपको कोई भी चीज, ओके, नंबर्स ऑफ लाइंस होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करने, बट आपके प्रोग्राम में आपको चाहिए कि जैसे कि कोई नोटिफिकेशन करना है, कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना है, उस पर्पज के लिए आप उस लाइन को वहां पे दिखा रहे हो, तो जैसे कि उसको हम क्या बोलेंगे, कमेंट। ओके, उस कमेंट के अंदर भी दो टाइप्स है, जैसे कि सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन इन द सेंस जो एक सिंगल लाइन के अंदर एग्जीक्यूट होगा, सिंगल लाइन की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, एंड मल्टी लाइन का भी इन द सेंस जो मल्टीपल लाइन की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे दो टाइप्स के कमेंट्स आप इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल हैश। ओके, सो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप यहाँ पे कोड के अंदर देख सकते हो, सिंपल हैश, This is a single line comment. कोई भी मैसेज आपको देना होगा तो आप यहाँ पे मैसेज वो दे सकते हैं। ये या this is a example of our
ऐसे कोई भी आप सिंगल लाइन में देना है तो दे सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल लाइन कमेंट। ए हो गया एक सिंगल लाइन के लिए, इफ आपको मल्टीपल लाइन के लिए चाहिए होगा तो मल्टीपल इफ फॉल्स, मल्टीपल्स के अंदर आपको वैल्यूज क्या पास करने है, फॉल्स देन राउंड ब्रैकेट ओपन इंटर। ओके तो यहाँ पे एक और चीज आपको नोटिस करने, जैसे कि प्लस सिंबल्स आपको यहाँ पे आ गया, तो प्लस इंडिकेट दैट द स्टेटमेंट इज कंटिन्यूअस, जो भी आप डेटा यहाँ पे पास कर रहे हो कंटिन्यूसली फ्लो होने वाला है, जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते तब तक आपको यहाँ पे जो प्लस सिंबल हो यहाँ पे क्लोज नहीं होने वाला। ओके सो हम यहाँ पे मल्टीपल लाइन कहेंगे, दिस इज अ डेमो के कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो आप, मल्टी लाइन कमेंट। ओके तो क्लोज कर देते हैं, डाउन ब्रैकेट क्लोज। ओके सो ओके एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मतलब कि केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव होने की वजह से आपको यहाँ पे फॉल्स कैपिटल में कंपलसरी लिखना है, ओके अदरवाइज वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ओके अभी रिकॉग्नाइज, ओके स्मॉल केस में आप फॉल्स दोगे तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, उसको आपको अपर केस में ही प्रोवाइड करना है। देन अगेन जो आपका सिंपल था हेलो वर्ल्ड मैसेज एज इट इज आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। ये तो दोनों समझ में आए, एक सिंपल एक हेलो वर्ल्ड मैसेज किस तरह से डिस्प्ले करना है, एंड सेकेंड हाउ टू क्रिएट अ कमेंट विच इज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। ये सिंगल लाइन के लिए आपको सिर्फ हैश की रिक्वायर है, एंड मल्टी लाइन के लिए आपको इफ स्टेटमेंट के साथ फॉल्स यूज करना है। ओके मल्टीपल्स एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे मल्टीपल्स एग्जांपल विद एन ईच एंड एवरी कीवर्ड। ओके सो कीवर्ड क्या होता है नेक्स्ट इसमें देखेंगे, फिलहाल इसके अंदर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेशन में बताओ, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे, या टाइम होगा तो सेम कमेंट के अंदर ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, like, share and subscribe for an motivation purpose. Okay, thank you.